नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, इस वक्त की जो है एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है वर्ल्ड कप 2019 से, जहां पर दोस्तों 5 बार की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को जो है बहुत ही बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के जो एक दिग्गज खिलाड़ी है, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो दोस्तों हो चुके हैं वर्ल्ड कप 2019 से कम्प्लीटली बाहर। तो अगर आप सभी को जानना है भाई वो कौन सा खिलाड़ी है और उसकी रिप्लेसमेंट किसको लिया है, तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो को जो है जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट के फैन हो तो सब्सक्राइब भी जरूर याद से ही करके रख लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं भाई वो कौन सा खिलाड़ी है जो कि ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है वर्ल्ड कप 2019 में। दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है शॉन मार्स। जी हां दोस्तों, शॉन मार्स जो है हो चुके हैं चोटिल और वो जो है पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। अभी आप पूछेंगे शॉन मार्स ने जो है अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप का मुकाबला भी ज्यादा खेला नहीं तो वो चोटिल कैसे हो गए। आप सभी को बता दूं, नेट्स के अंदर जो है अभ्यास करने के दौरान जो तेज गेंदबाज है पैट कमिंस, उनकी जो है काफी तेज गति की गेंद शॉन मार्स के जो है फोर आर्म पे लगी और वो जो है हो चुके चोटिल। और स्कैन के बाद जो है रिपोर्ट ये आई कि शॉन मार्स जो है दोबारा से इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले नहीं पाएंगे। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब बात कर लेते हैं शॉन मार्स गए हैं तो उनके बदले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने किस खिलाड़ी को बुलाया है, तो उस खिलाड़ी का नाम है पीटर हैंड्सकॉम। दोस्तों, पीटर हैंड्सकॉम जो है काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है। हमने जो है इंडिया में देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला था, ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया, तो वहां पे जो है पीटर हैंड्सकॉम ने कितनी अच्छी पारी खेली थी, सेंचुरी मारी थी। तो दोस्तों, यही देख के लगता है कि जो पीटर हैंड्सकॉम है काफी अच्छे और टैलेंटेड खिलाड़ी है। लेकिन बुरी खबर ये थी कि जो पीटर हैंड्सकॉम थे उनको जो है स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लिया नहीं गया था, लेकिन अभी जो है पीटर हैंडस्कॉम को ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में ज्वाइन कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ जो है एक और खबर ये आ रही है कि जो ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ऑलराउंडर है ग्लेन मैक्सवेल, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, ग्लेन मैक्सवेल को भी लगी है चोट। नेट्स के अंदर अभ्यास करने के दौरान ग्लेन मैक्सवेल को भी लगी है चोट और वो जो है गए हैं हॉस्पिटल। उनकी जो है इंजरी की स्कैन की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो देखते हैं अभी ग्लेन मैक्सवेल की जो इंजरी हुई है नेट्स में उनको कौन सी इंजरी की स्कैन निकल के आती है। ग्लेन मैक्सवेल को जो है चोटिल किए थे उस खिलाड़ी का नाम है मिचेल स्टार्क। भाई ये जो स्टार्क है इस वर्ल्ड कप में बहुत ही ज्यादा लैम है। स्टार्क से जो है जितना ज्यादा बच के रहे उतना अच्छा है। स्टार्क जो है अपने बल्लेबाजों को भी चोटिल करने में लगे गए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि आ रही थी, मैंने आपको बता दी। दो बड़ी खबर, एक थी शॉन मार्स की, वो तो बाहर हो गए, दूसरी थी ग्लेन मैक्सवेल की जो कि इंजरी के कारण स्कैन का रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद ही उनके ऊपर फैसला लिया जाएगा। आगे जो है वीडियोस आती रहेगी, आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।